नमस्ते दोस्तों, स्वागत है दीदी की रेसिपी में। तो इस रक्षाबंधन पे हम बना रहे हैं काजू कतली की मिठाई। तो लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो देखिए दोस्तों, काजू कतली बनाने के लिए मैंने 1/2 किलो काजू लिया है। ये बड़े साइज वाले हैं, आप छोटे साइज भी ले सकते हैं, टुकड़े वाले भी ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे पीसना ही तो रहता है। तो सबसे पहले क्या करूंगी मैं, ये काजू को अच्छे से साफ कर लूंगी, क्योंकि इसमें काले काले कभी भी रहते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा दिख रहा है, तो इसी को हमें अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि हमारी काजू कतली परफेक्टली बने। तो चलिए साफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो काला काला रहता है, इसे निकाल लेते हैं, अच्छे से साफ कर लेते हैं, नहीं तो इससे काजू कतली हमारी खराब हो जाएगी। इसी तरह से मैं एक एक साफ कर ले रही हूँ। ये दोस्तों, ये साफ हो चुका है, तो इसे पीस लेते हैं। ये देखिए सिलपट्टे पे मैं पीस रही हूँ, आप मिक्सर जार में भी पीस सकते हैं। तो ये हमें पीसना ही रहता है, तो टुकड़े वाले लेंगे तो अच्छा रहता है। तो काजू कतली का दाम तो पता है, ऑफ सीजन कितना रहता है, और जब सीजन आता है त्योहारों का तो कितना ज्यादा महंगा हो जाता है। तो ये कुछ घर पे काजू कतली बनाना सीखें, टेस्ट की गारंटी मेरी है। देखिए दोस्तों, काजू पिसा गया है, तो अब क्या करती हूँ मैं, इसे चाल लूंगी मैं, ताकि जो इसमें बड़े बड़े हों वो निकल जाएं, इसे हम फिर से पीस लेंगे। तो ये देखिए, ऐसे मैं चाल ले रही हूँ, और ये जो बड़े बड़े दाने, इसे फिर से पीस लेना है। फाइन पाउडर बनाना है दोस्तों। काजू मेरा पीस चुका है, अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है, वजन में ये 250 ग्राम है, तो मुझे ज्यादा मीठा नहीं चाहिए, तो मैं 1/2 कप इसमें पानी डालूंगी। तो चीनी को हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है हमें। देखिए दोस्तों, चाशनी कैसे उबल रही है, तो इसे कंटिन्यूस चलाते रहना है। ये साइड है ना, इसकी साइड में भी चलाते रहना है, चिपकने नहीं देना है, नहीं तो ये साइड साइड से क्या होता है, चीनी जलने लगता है। तो साइड से भी चलाते रहना है अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, चाशनी रेडी हो चुकी है, तो मैं कैसे पता करूं, तो ये देखिए मैंने हाथ पे लिया था, तो ये देखिए ध्यान से कैसे इसका तार बन रहा है। तो ये लूज रहती तो एकदम से चिपकती नहीं हाथों में, ये थोड़ी थोड़ी चिपक रही, इसका मतलब ये रेडी है। तो चलिए इसमें फटाफट काजू के पाउडर डाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने काजू के पाउडर इसमें डाल दिए हैं, और इसमें मेन इंग्रेडिएंट, जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ नेस्ले का मिल्क पाउडर लिया है, तो 1 कप में ये भी डाल दे रही हूँ इसके अंदर। तो दोनों को साथ में मैं हल्का हल्का भूनूंगी, और जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम लो फ्लेम पे है, तो अच्छे से इसे भूनना है हमें, मैदे का जैसे इसका आटा तैयार करना है। तो देखिए दोस्तों, इसे कैसे मैं फेंट रही हूँ, तो साइड साइड से अच्छे से फेंट लेना है। मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालूंगी, आप घी भी डाल सकते हैं, तो मेरे घर में बच्चों को घी नहीं पसंद है, तो मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, ताकि इसमें अच्छे से चमक आ जाए। तो अच्छे से इसे फेंट लेना है, और यहीं पे मैं गैस को कर दूंगी बंद। देखिए फ्रेंड्स, इसे मैं ठंडा कर रही हूँ, अभी ये बहुत गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हो चुका है, देखिए इसके हम उंगली पे लेंगे और गोल गोल बनाएंगे, उंगलियों पे नहीं चिपक रहा, इसका मतलब ये तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहीं पे मैंने मेरी चौकी ले ली है, तो इसी पे मैं थोड़ा सा तेल ग्रीस करके, और ये काजू का जो बैटर है, इसी पे मैं
रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस बैटर को अच्छे से आटे की तरह इसे गूंथना है, स्मूथ बनाना है इसे। तो कंटिन्यूअसली इसे गूंथते रहना है। देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से ठंडा होने देना है, गरम गरम नहीं बेलना इसे। तो इसे ठंडा होने का इंतजार करें। तो देखिए दोस्तों, ये काजू का बैटर कितना मस्त हो गया है, देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसे मैं सेट कर ले रही हूँ यहीं पे, जिस पे मुझे बेलना है। तो मैं इस पे ऑयल से ग्रीस कर ले रही हूँ, मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और बेलन को भी अच्छे से ग्रीस कर लिया है। तो अब मैं क्या करूंगी, बेल लूंगी अपनी काजू कतली। मैं बेलना है, तो ये जितना पतला रहता है उतना अच्छा रहता है। मार्केट में भी पतली ही रहती है काजू कतली, तो हमें उसी तरह से बनाना है। देखिए दोस्तों, यही पे मैंने इसे बेल लिया है। तो मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे कुछ पिस्ता के टुकड़े कर लिए थे, तो ये मैं डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इस पे चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से बेल सकते हैं। तो मेरे घर में पिस्ता सबको पसंद है, तो मैंने इसे पिस्ता डाला है। इसे ही बेलन से थोड़ा सा बेल लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यार, इसे बना के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। तो ये काजू कतली जब अपने हाथ से बना के खाएंगे प्राउड फील करेंगे। अरे वो झटपट बन जाता है, तो ये चीज लगती है इसमें काजू लगता है और चीनी लगता है। तो देखिए दोस्तों, इसे थोड़ी देर के लिए मैं सेट होने के लिए छोड़ दे रही हूँ, तो फिर इसे कट करेंगे। तो देखिए मस्त बना है ना, एक लाइक कर दीजिए वीडियो को। इसे कट करने के लिए हमें तेज धार वाली नाइफ ले लेना है और इसकी जो साइड के हैं इसे कट करके निकाल देना है। तो ये इस तरह से निकाल देना है हमें, ये वेस्ट नहीं जाने वाला है। इसे आप फिर से बेल सकते हैं या फिर ऐसे ही खा सकते हैं। देखिए दोस्तों, काजू कतली रेडी हो चुकी है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। ये दोस्तों, ये कितनी पतली और कितनी टेस्टी बनी है ये तो खाने पे ही पता चलेगा। तो देखिए ये कितनी पतली है काजू कतली, तो लग रही है करना है अगर पसंद आई है तो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की वीडियो आपके पास मिलती रहे टाइम पे। तो रखिए अपना ध्यान, हैप्पी रक्षाबंधन, बाय बाय।